हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉर्न भेल। यह ताजे भुट्टे के दानों से बनी हुई भेल है जो बहुत ही टेस्टी लगती है और यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। यह 2 मिनट में बन जाती है। आप किसी भी गेस्ट के आने पर इसको तुरंत बना सकते हैं या अपने ही शाम के स्नैक्स में इसको खा सकते हैं। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबले हुए भुट्टे के दाने, थोड़ा सा खीरा बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी चटनी, इमली की चटनी, थोड़े से भुने हुए मूंगफली के दाने, धनिया पत्ती, भुजिया, काला नमक, भुना जीरा, चाट मसाला और नींबू। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम उबले हुए कॉर्न डालेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, मूंगफली के दाने, हरी धनिया, भुजिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी जो कि हमने धनिया और पुदीने की पीसी है, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे। हमारी कॉर्न भेल तैयार है। आप इसको किसी भी पार्टी में बना सकते हैं स्नैक्स के तौर पे, या किसी मेहमान के आने पर भी सर्व कर सकते हैं 2 मिनट में बनाकर। ऊपर से हम इसमें भुजिया और धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। यह भुट्टो किससे बनी हुई बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि भुट्टा बहुत ही हेल्दी होता है। भुट्टे के दाने निकालने के लिए हम अपने फ्रेश भुट्टों को नमक के पानी में बॉईल कर लेते हैं और फिर ठंडा होने के बाद हम उसको निकाल लेते हैं और उसको हम फ्रीज़र में बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको कभी भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।